गुड मॉर्निंग एवरीवंस, मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के आज हम नए चैप्टर की स्टडी करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रासायनिक साम्य कहते किसे हैं। इसके लिए हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन ए बी रिएक्टेंट जिससे बन रहा है सी ओ डी प्रोडक्ट बन रहा है। प्रारंभ में ए बी की कुछ क्वांटिटी को हम बंद पात्र में लेते हैं। जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, ए और बी किस में कन्वर्ट होते हैं, सी और डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी से अधिक होगी। प्रारंभ में क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो अधिक होगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी अधिक होगी और रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी। बैकवर्ड जैसे जैसे सी और डी की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। टाइम के साथ साथ क्या होगा कि टाइम के साथ साथ जो फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी है वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी घटती है तो क्या होता है कि बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास। वह बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी कुछ टाइम बाद ऐसी पोजीशन आती है कि फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड है वो दोनों की वेलोसिटी होती है सेम हो जाती है। तो ऐसे सेम पोजीशन को हम क्या कहते हैं कि जो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में होता है। कब? जब ए और बी कुछ टाइम में ए और बी रिएक्टेंट और सी और डी दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, इक्वल हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन की पोजीशन में जब दो अपोजिट रिएक्शन सेम वेलोसिटी से हो और रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो तो इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या सम अवस्था। वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ से शो करते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, आर एल से। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एच टू और आई टू दोनों गैस है, वो क्या बना रहा है, आयोडीन बना रहा है। तो ये इनकी इक्वली एक अवस्था आती है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी जितना एच आई बनेगा उतना ही एच टू आई टू की क्वांटिटी होगी। ग्राफ से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टाइम रेट और टाइम के बीच में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमने देखा कि टाइम के साथ साथ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या होता है, कम होता है, और टाइम के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन वो बढ़ता है। तो ये जो ये पोजिशन है इक्विलिब्रियम की, वो ये वाली इस तरह की पोजीशन है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है तो हम इसे कहते हैं ये इक्विलिब्रियम अवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण। रासायनिक साम्य के प्रमुख लक्षण, फर्स्ट जो लक्षण है वो है इक्विलिब्रियम इन ओपन रीजन, खुले पात्र में साम्य। किस तरह से खुले पात्र में साम्य स्थापित हो जाता है, गैस रिएक्शन के लिए साम्य खुले पात्र में संभव नहीं है। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब कि पात्र बंद हो, क्योंकि साम्य तभी स्थापित होता है जब क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो बाहर ना निकले। यदि रिएक्टेंट व प्रोडक्ट लिक्विड अवस्था में हो और ओपन विजल में इक्विलिब्रियम स्थापित हो सकता है, जब कब, जब ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो, लिक्विड में। एसिटिक एसिड जो लिक्विड फॉर्म में है,
इथाइल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में, प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल एसीटेट वो भी लिक्विड फॉर्म में। सेकंड है कांस्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारकों और उत्पादकों की स्थिर सांद्रता, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम बंद पात्र में स्थापित होता है। इक्विलिब्रियम की अवस्था में बचे हुए रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्लोज विजिल है, इसमें हाइड्रोजन तथा आयोडीन की हम रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर H2 और I2 से बने हुए हाइड्रोजन आयोडीन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। जैसे जैसे बने हुए HI की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो इक्विलिब्रियम स्थापित मान लिया जाता है। थर्ड है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड, साम्यावस्था दोनों ओर से स्थापित हो सकती। किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसी को लेकर भी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, अमोनियम बनता है। तो इक्विलिब्रियम को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अथवा अमोनियम दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब किस तरह से हम इसे प्राप्त करते हैं ये देख लेते हैं कि सपोज N2 और H2 का रेशो क्या है, यहाँ पे N2 का 1 है, H2 का क्या है 3 है, को बंद पात्र में लेके 573 केल्विन टेम्परेचर और 30 एटमोस्फेयर प्रेशर पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि अमोनिया बनता है और इक्विलिब्रियम पर 7% अमोनियम प्राप्त होती है। इसके पश्चात हम बंद पात्र में अमोनिया लेकर 573 टेम्परेचर और उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर अब इसका डिकम्पोज कराते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राप्त होने पर 93% अमोनिया डिकम्पोज हो जाती है और 7% अमोनियम इक्विलिब्रियम पर बची रहती है जो पूर्व के समान है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक का प्रभाव। इक्विलिब्रियम का उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता है। क्यों चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि कैटलिस्ट द्वारा फॉरवर्ड व बैकवर्ड रिएक्शन समान रूप से इफेक्ट होती है। तो इसलिए जब समान रूप से इफेक्ट होती है तो ना तो रिएक्टेंट चेंज होगा, अगर रिएक्टेंट में भी चेंज होगा तो प्रोडक्ट में भी चेंज होगा, तो दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसका, कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड इफेक्ट है फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था। प्रत्येक रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है, फ्री एनर्जी चेंज होता है, वो ज़ीरो होता है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम सबसे पहले गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस के रिएक्शन की वेलोसिटी, दोबारा रिपीट करती हूँ कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस रिएक्शन की वेलोसिटी उसके एक्टिव मास के समानुपाती होता है तथा एक होमोजीनियस रिएक्शन की वेलोसिटी उसमें भाग लेने वाले रिएक्शन कारकों के एक्टिव मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। सपोज ए और बी रिएक्टेंट हैं, वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आर प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्टिव मास ए इंटू बी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास है मोलर कंसेंट्रेशन, जिसे कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर इनवर्स ए
मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी। एक्टिव मास का अर्थ क्या होता है, एक्टिव मास का अर्थ होता है इफेक्टिव कंसेंट्रेशन या एक्टिविटी। यदि कंसेंट्रेशन तथा इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को किससे शो करें, सी से, और इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को किससे शो करें, ए से, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन के ए इज इक्वल टू एफ इंटू सी, या एफ क्या है, एक्टिव कोफिशियंट। यदि एक्टिव कोफिशियंट की जो वैल्यू होती है ए वन हुई तो ए बराबर हो जाएगा सी के, यानी एक्टिव कंसेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंसेंट्रेशन में। अगर नॉर्मल रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं एन ए ए प्लस एन टू बी, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, किस तरह से शो करेंगे हम लोग, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एन वन एन टू बी की पावर एन टू। ये हमने आज स्टडी करी लॉ ऑफ मास एक्शन। थैंक यू।